नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज प्राइम टाइम का जो मुद्दा है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा में सुलगती हुई असंतोष की चिंगारी से जुड़ा हुआ है। भाजपा में सुलगी असंतोष की चिंगारी, चुनाव हारने के बाद प्रदेश भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो आरंभ हो गया है। एक के बाद एक भाजपा के नेता अपनों पर प्रहार कर रहे हैं। इस बार निशाने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। आरोप भी सीधे और तीखे हैं। भाजपा में असंतोष खेमा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर प्रहार कर रहा है कि प्रदेश में भाजपा राजनीति से जो है वो वाकिफ होने के बावजूद भी उन्होंने राज्य भाजपा इकाई को चुनावों में पराजय की राह पर धकेल दिया। देखा जाए तो भाजपा में व्यापक असंतोष की चिंगारी चुनावों के बाद सुलगी है, लेकिन भाजपा इकाई में असंतोष चुनावों से पहले ही व्याप्त था। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रमेश धवाला अब खुलकर सामने आ गए हैं। वो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं कि संगठन सचिव पवन राणा के हस्तक्षेप ने भाजपा को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो कहते हैं कि बार बार शिकायत के बावजूद पवन राणा को हटाया जो है वो ना जाना भाजपा की पराजय का कारण बना है। एक अन्य पूर्व मंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल खेमे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आरोप दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि सीटों में हुआ बदलाव एवं जीतने वाले प्रत्याशियों का टिकट जो है वो काटा जाना भाजपा की पराजय का कारण बना है। आरोप ये भी है कि लोकसभा उपचुनाव एवं राज्य के अन्य सभी सीटों पर हुए उपचुनावों की पराजय से भी भाजपा नेतृत्व ने सबक नहीं सीखा। यदि इस पराजय से सबक लेते हुए भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड और गुजरात की तरह मुख्यमंत्री को बदल दिया होता तो भाजपा को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। देखना यह है कि बगावती चिंगारियों को भाजपा नेतृत्व कैसे शांत कर पाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये चिंगारियों के शोले बन सकते हैं जो प्रदेश भाजपा के लिए घातक साबित होगा। आपको बता दें कि इन विधानसभा चुनावों में राज्य की कुल 68 विधानसभा सीटों में से भाजपा के 15 बागी नेताओं ने नामांकन पेपर भरा था। इनमें से कुछ ऐसे मजबूत उम्मीदवार भी थे जिन्हें कथित तौर पर पार्टी आलाकमान ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। इनमें से ही एक नाम था कृपाल परमार का, जिन्हें एक समय बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का करीबी माना जाता था। ऐसे ही कई चेहरे रहे जो बीजेपी से बागी हुए और निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए। अब ये बात जो है वो लगातार जरूर चल रही होगी कि भाजपा इस पर मंथन जरूर कर रही होगी कि आखिर इन चुनावों में उनकी हार क्यों हुई। क्या वो हिमाचल का राजनीतिक रिवाज था जिसमें जनता एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस को सत्ता देती है? हिमाचल की सियासत में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का जो है वो ट्रेंड रहा है। 1985 से 5 साल जो है वो कांग्रेस और 5 साल बीजेपी हिमाचल में राज कर रही है। एक चुनाव में कांग्रेस तो दूसरे चुनाव में बीजेपी। इस तरह से हिमाचल की सियासत में दोनों ही पार्टियां बारी बारी से सत्ता का स्वाद चखती रहीं। 2017 के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई और जयराम ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री बने। वहीं अब जो है वो कांग्रेस सत्ता में आई और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। अब या फिर एक ये वजह हो सकती है या फिर सुलगती हुई चिंगारी की जो सुखबुगाहट है जिसने हिमाचल भाजपा की सियासत की जो है वो लुटिया डुबा दी है, क्या वो एक वजह है? तो कई सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हार जीत होती रहती है, लेकिन ये जो अंदर खाते असंतोष की चिंगारी भड़क रही है, क्या उससे भाजपा भविष्य में बिखर जाएगी या अपने आप को संभाल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या स्थिति भाजपा की होने वाली है? और कई सवाल जो दिमाग में, उन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय पुरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो इस वक्त हार का स्वाद चख रही है। मंथन जरूर उनका चल रहा होगा कि आखिर हार हुई तो हुई कैसे। आपका तजुर्बा क्या कहता है इस मामले में कि इतनी स्ट्रांग पार्टी, प्रधानमंत्री जो है वो हिमाचल में आए, ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन फिर भी हाथ खाली पराजय? देखिए गौतम, हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज रहा है कि 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है जी।
बदला जाए। सही मायनों में भाजपा अपने लक्ष्य को भेदने की तैयारी में भी थी। यह मैं इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा जो है वो पराजित हुई है। भाजपा भरपूर जोर के साथ अपने चुनावी अभियान में लगी और सरकार पूर्व भाजपा सरकार के खिलाफ कोई ऐसी आरोप नहीं थे जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष था। लेकिन भाजपा ने अपने आप हारने की नीति बनाई और भाजपा हारी। आप देखिए, इस बार इन चुनावों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 68 सीटों में कांग्रेस और भाजपा के बीच जो हार का अंतर रहा वो मात्र 37,000 कुछ वोटों का था। 37,000 कुछ वोटें ऐसी इतनी नहीं होती जो जिसे भाजपा पाट नहीं सकती थी, और अगर ऐसा कर लिया होता तो भाजपा इस बार फिर सत्ता में आ सकती थी। और ये 1985 के बाद शायद पहला अवसर था जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इतिहास रचने की तैयारी में थे। लेकिन अनेकों ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। पहला पहला तो भाजपा को जब बीते लोकसभा चुनाव, जब उपचुनाव हुए मंडी और तीन विधानसभा चुनावी क्षेत्रों के, तो चारों सीटों पर भाजपा पराजित हुई। तो भाजपा को ये समझ लेना चाहिए था कि राज्य में कहीं ना कहीं असंतोष है, और वो असंतोष कैसे दूर किया जा सकता था उसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। उसको लेकर भाजपा में जब असंतुष्ट खेमा जो है वो अब खुले स्वर में कहने लगा कि जब गुजरात और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जा सकते थे तो ऐसे क्या कारण थे कि हिमाचल में 1.5 साल पहले जब 4 सीटों पर करारी पराजय का सामना करना पड़ा, और मंडी जिले में, मंडी संसदीय सीट जो मुख्यमंत्री के गृह जिले से आती है, वहां पर भी भाजपा को जो है वो मंडी संसदीय सीट से भी पराजय का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री बदले जाने पर सोच बनाई जा सकती थी जब उत्तराखंड और गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए गए? ऐसा अगर कर लिया गया होता तो एक नए चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ लिया होता। लेकिन मैं समझता हूं कि भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी, राष्ट्रीय नेतृत्व भी तैयार नहीं था, क्योंकि जो है भाजपा के मंत्री अनुराग ठाकुर वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सकते थे, जिसके लिए पता चला कि वो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो प्रदेश में आकर काम काज संभाल पाते। तो पहला असंतोष तो यही था कि क्या चुनावों से पहले भाजपा के खेमे में जो है वो सुधार किया जा सकता और रणनीति बनाई जाती कि भाजपा पराजित ना हो। सर, सवाल यहाँ पर आपकी बातों से ये निकल कर आया कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि उनके पास चेहरा नहीं है, कि क्या लोकसभा की उन सीटों पे हार के बाद बीजेपी के कोई चेहरा नजर नहीं आया कि उनको रिप्लेस किया जा सकता असंतोष को शांत करने के लिए? नहीं, चेहरा तो देखिए, अगर क्योंकि भाजपा में ये रिवाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा उच्च कमान ने अनेकों बार जो है वो सख्त निर्णय लिए। उत्तराखंड और गुजरात उसका उदाहरण है। इसी इसीलिए भाजपा का एक असंतुष्ट खेमा कह रहा है कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाने थे। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने आप में एक प्रमुख चेहरा थे, उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ा गया। अगर चुनावी पराजय का कारण उनको कहा जाए तो वो भी गलत होगा, क्योंकि इस बार जो है वो पराजय का ठीकरा जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर नहीं फोड़ा जा सकता। इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व दोषी है, और मैं ये कहूंगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो जिनका हिमाचल गृह क्षेत्र है, वो हिमाचल की राजनीति को अच्छी तरह से समझते थे। अगर उन्होंने ठोस कदम उठाए होते, मतलब मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर जयराम ठाकुर ने टिकटों का चयन करवाना था तो उसमें पूर्ण तौर पर केंद्रीय नेतृत्व का हाथ रहा और अनेकों के टिकट काटे गए। परिणाम यह रहा कि 12 असंतुष्ट खड़े हो गए। दूसरा, जो मंत्री थे, जो भाजपा के 12 मंत्रियों में से आपको बताऊं कि सिर्फ दो ही मंत्री जीत पाए, तो दो मंत्रियों के तो टिकट ही काट दिए गए। चुनावी बेला पर ही उनका टिकट, जो उनकी विधानसभा चुनावी सीट ही बदल दी गई। अब शिमला से सुरेश भारद्वाज जो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको कसुम्पटी भेज दिया गया। तो
तो नया प्रत्याशी ना शिमला से जीत पाया और ना ही वहां से कसुम्पटी से सुरेश भारद्वाज जीत पाए। इसी तरह से ये कि फतेहपुर विधानसभा चुनावी क्षेत्र से वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री जो थे राकेश पठानिया, उनको वहां से लड़वाने के लिए विवश कर दिया गया। अब वहां से कृपाल सिंह परमार जो भाजपा के प्रमुख नेता थे, पूर्व में सांसद भी रहे, वो नाराज हो गए और उन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आरंभ कर दी। हालत ये रही कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को कृपाल परमार को फोन करना पड़ा कि आप बैठ जाइए। ये बात सार्वजनिक भी हुई, तो जी आप जी समझ सकते एक प्रधानमंत्री ने कितनी गंभीरता से लिया होगा हिमाचल के चुनावों पर, लेकिन जो खामियां रह गई थी उन्हें अंतिम अवसर पर दूर नहीं किया जा सकता था और भाजपा को पराजय का सामना करना ही पड़ा। सर, अभी हम जिस असंतोष की बात कर रहे हैं, जो एक खेमा है जो असंतुष्ट नजर आता है, क्या वो कहा जाए कि संतुष्ट होगा? क्या उस पर विचार विमर्श जो है वो चल रहा है, या होगा तो कैसे होगा? गौतम, अभी तक भाजपा ने पराजय का मंथन भी सही तरीके से नहीं किया है शायद, और भाजपा ऐसा चाहती भी नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद गंभीर मंथन होगा भी नहीं। उसका कारण यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किसी भी स्थिति में चुनावी पराजय के लिए दोषी नहीं ठहराए जा सकते। फिर अगर जयराम ठाकुर दोषी नहीं तो कौन? बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में जो है वो आता है नाम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का, जो टिकट आवंटन के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड पूरी तरह से जिम्मेदार था। तो भाजपा आज की परिस्थितियों में ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से केंद्रीय नेतृत्व को दोषी ठहराया जा सके। ना आपको मैं ये भी बताऊं कि पूर्व में जब पूर्व लोकसभा चुनाव, उपचुनाव हुआ और उप विधानसभा चुनाव हुए, जहां चारों सीटों पर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा, तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ठीकरा सीधा केंद्रीय नेतृत्व पर फोड़ा था। उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में मतदाताओं में असंतोष था और बढ़ती महंगाई के कारण लोग जो है वो भाजपा के खिलाफ हो गए और भाजपा को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। तो इस बार भी अगर छेड़ा गया तो पूर्व मुख्यमंत्री पर अगर इल्जाम लगाए गए तो वो खुलकर एक बार फिर सामने आ सकते हैं, और यदि पत्ते खुले तो वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो महंगाई को सर कितना बड़ा आप अपने तजुर्बे से मुद्दा मानते हैं, जिसकी वजह से सीधे तौर पर नकार दिया गया बीजेपी को? गौतम, यह पहला चुनाव नहीं है जिसमें महंगाई एक मुद्दा बना है। बिल्कुल हमने जब जब चुनाव देखे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जो है वो, ये दो मुद्दे हमेशा रहे हैं, और बिल्कुल ये मुद्दे जब लोग मत करते हैं तो उस समय ये मुद्दे शायद हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है मतदाता जो है वो अपने प्रत्याशियों को देखकर या अपनी विचारधारा को देखते हुए अपना मत देता है। तो महंगाई सिर्फ महंगाई मुद्दा रहा हो ऐसी बात नहीं है। भाजपा का, अब मैं आपको ये बताऊं कि भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र ही ले लीजिए, भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में जो है वो एक वर्ग को पूरी तरह से नाराज कर दिया गया, वो है मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम वर्ग के लिए मुस्लिम वर्ग प्रदेश में 2% है। इस 2% मुस्लिम वर्ग को निराश करने निराश किया गया वो ऐसे के चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच की जाएगी। अब मुस्लिम वर्ग उससे नाराज हो गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की क्यों जांच करी जाएगी भाई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं उसमें ज्यादातर अधिकांश लोग जो है हिंदू और राज्य से हिमाचली जो है वो उसमें उन संपत्तियों पर बैठे हुए हैं और वो अपना कारोबार चला रहे हैं वहां पर। तो ऐसे में वो व्यक्ति भी जो जो वहां कारोबार चला रहे हैं वो भी नाराज हुए कि भी हमारे को तंग किया जा रहा है। तो जी मुस्लिम वोट जो है अब उसमें वहां पर उस वक्त खुलकर भाजपा के विरोध में आ गया। दूसरा मुद्दा, जो चुनावी घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई, जी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना हिमाचल में 2% मतदाताओं को छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी।
उससे भी मुस्लिम जो है वो नाराज हुए, और नाहन विधानसभा सीट जो जहां से भाजपा के पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल जो है वो विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में रहे, वो चुनाव लड़ते थे, और सोलन से जाकर उन्होंने सोलन से डिलिमिटेशन में जब उनकी सीट रिजर्व हुई तो उन्होंने नाहन सीट चुनी, और वो बाहरी व्यक्ति होने के बावजूद 2 बार लगातार वहां से चुनाव जीते और मुस्लिम वर्ग उनके साथ रहा। चुनाव के अंतिम दौर में जब भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ तो मुस्लिम वर्ग जो है वो एकदम से खिलाफ हो गया और राजीव बिंदल को भी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे कुछ निर्णय थे जिसको लेकर खामियां रही। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो गुटबाजी है जी वो बहुत ज्यादा हावी हुई है और अब उस और आगे हावी हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही कर्नल इंदर सिंह जो 2 बार के विधायक रहे मंडी जिले से, उन्होंने खुलकर सामने सामने आए और उन्होंने कहा है कि गलत टिकट आवंटन पराजय के कारण रहा है और जो इसी कारण जो है भाजपा हारी है और इसका मंथन होना चाहिए और जो लोग इसके दोषी हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि सजा देने के लिए तो भाजपा का संसदीय बोर्ड है, तो संसदीय बोर्ड क्या अपने सिरे अपने आप को ये कहेगा कि पराजय के लिए वह कारण रहे हैं? तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसका बिल्कुल संसदीय बोर्ड जो है सीधे तौर पर प्रदेश नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ेगा। इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो है वो आज भी जो है शक्तिशाली नेता है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में तो उनका बहुत ज्यादा दबदबा है, पूरे प्रदेश में उनकी पहचान है, जी लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को बिल्कुल अलग थलग रखा गया, तो उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं पराजय का कारण बन सकती है। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि जो टिकटें आवंटित की गई, अगर जो कद्दावर नेता थे उनकी टिकटें ना काटी जाती तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। देखिए एक दो सीटों पर तो दो क्या मतलब कम से कम 5 सीटों पर तो शत प्रतिशत फर्क हो सकता था। दूसरा ये है कि अंतिम दौर में अगर भाजपा जो है वो कुछ ऐसे निर्णय लेती, कुछ ठोस निर्णय लेती, नीतिगत होता कि वो हर वर्ग को साथ लेकर चलती तो शायद भाजपा 37,000 कुछ मतों का अंतर जो है पाट सकती थी। और इसमें कोई शंक नहीं है कि इस बार ये पहला मौका था 1985 के बाद जब भाजपा जो है वो रिवाज बदलने के बहुत करीब थी लेकिन पिछड़ गई। बात कर लेते हैं सर 1.5 लाख वोट्स की, एम्प्लॉयज की, यानी कि ओपीएस के मुद्दे की। सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो ओपीएस का मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया था कि हर जगह ये चल रहा था कि वोट फॉर ओपीएस, यानी कि जो भी पार्टी या सरकार ओपीएस देगी हम उनके साथ हैं। प्रदीप ठाकुर साफ तौर पर कह चुके थे चाहे वो बीजेपी मौजूदा सरकार हमें ओपीएस दे हम उसका साथ देंगे, अगर कोई और पार्टी हमारा साथ देती है तो हम उसके तरफ जो है वो रुझान करेंगे। यदि इस मुद्दे को शांत किया जा पाता, बीजेपी ओपीएस देने का वादा कर देती, तो क्या सत्ता में बीजेपी की वापसी जो है वो पक्की हो सकती थी? गौतम, ओपीएस का मुद्दा जो है वो इस बार सबसे प्रमुख मुद्दा था और चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा के ही अनेकों नेताओं ने कहा था कि ओपीएस के मुद्दे पर हम गिर सकते हैं और ओपीएस की वजह से हमारी पराजय भी हो सकती है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक ओपीएस के मुद्दे को भाजपा ने जो है वो बुनाने का प्रयास नहीं किया। और भाजपा यदि चुनावों से पहले ओपीएस के संबंध में कोई निर्णय ले लेती तो जो है उसका भाजपा को बहुत ज्यादा लाभ होता। चुनावों के बाद परिणाम आने से पहले, चुनाव मतदान होने के बाद 2-3 दिन के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं एक बयान दिया कि ओपीएस एक प्रमुख मुद्दा था जिसे कांग्रेस ने लपक लिया। उनका इसका सीधा अर्थ यह था कि भाजपा के हाथ से यह मुद्दा छूट गया और इस मुद्दे को कांग्रेस ने बुनाने का प्रयास किया और कांग्रेस ने बुनाया भी। और मैं ये आप जानते ही हैं कि पिछले कल लोहड़ी के दिन कांग्रेस ने ओपीएस को लागू करने का जो निर्णय भी ले लिया एंड उससे कांग्रेस को और लाभ मिलेगा। क्या बीजेपी का ओपीएस की तरफ झुकाव ना हो पाना या उसको ओपीएस ना दे पाना, सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि अगर हिमाचल में दिया तो बाकी राज्यों में भी देना पड़ेगा, क्या ये सबसे बड़ी वजह थी कि देखिए इसके आगे नहीं बढ़ पाए?
ये एक कारण हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है सोच इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि ये कारण क्या रहे, किस वजह से हारे। इस वक्त सोच इस बात के लिए होनी चाहिए कि भाजपा में जो वर्तमान में है, भाजपा को 2024 की तैयारी करनी है, लोकसभा चुनावों के लिए देखना है, तो बिल्कुल भाजपा को, प्रदेश भाजपा को एक सूत्र में पिरोना होगा। वर्तमान में भाजपा जो है वो बिखरी हुई दिखाई दे रही है। एक खेमा कुछ अलग बात कर रहा है, दूसरा खेमा कुछ अलग बात कर रहा है। तो इसके लिए प्रदेश भाजपा के साथ केंद्रीय नेतृत्व को बात करनी होगी और उन्हें आगे आना होगा। जहां कहीं असंतोष है उसे दूर करने के प्रयास करने होंगे। और देर सवेर में भाजपा जो है वो अगर एक सूत्र में पिरोई जाती है तो लोकसभा चुनावों में भाजपा को मदद मिलेगी, क्योंकि राज्य की 4 लोकसभा सीटें हैं और एक बार को छोड़कर शेष सभी में यह देखा गया कि अधिकांश सीटों पर वही राजनीतिक पार्टी जीतती है जो जिसकी सरकार हिमाचल में होती है। तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर लाभ होगा। कांग्रेस से कैसे भाजपा जो है वर्तमान परिस्थितियों को अपने पास रख सकती है कि जो चारों की चारों सीटों पर काबिज हो या 4 सीटों में से 2-2 की बराबरी करे, इसके लिए भाजपा को बड़ी मशक्कत करनी होगी और भाजपा को एकजुट रखना होगा। तो सर, एक आखिरी और सवाल कि क्या 2024 से पहले बिखरी हुई बीजेपी जो है वो आपको लगता है कि सिमट पाएगी? देखिए, भाजपा जो है वो देश की सबसे अनुशासित पार्टी मानी जाती है। हाँ, बीते दिनों में कुछ ऐसा जरूर हुआ है, हिमाचल ही नहीं देश के अन्य भागों में भी भाजपा में असंतोष की लहर उठती रही है और असंतोष भाजपा में भी अब बगावत जैसी चीजें सामने आने लगी है। लेकिन आज भी भाजपा जो है अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले अनुशासित पार्टी है और इसमें कोई शक नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व जैसे हस्तक्षेप करेगा तो भाजपा को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया जाएगा और भाजपा जो है एक सूत्र में आ जाएगी और आगामी विधान लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी आरंभ कर देगी। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व कब जो है वो राज्य की सियासत में हस्तक्षेप करता है, या कहा जाए कि बीजेपी पार्टी में जो हिमाचल की बीजेपी पार्टी है, जो ये सुगबुगाहटें नजर आ रही हैं, असंतोष की जो चिंगारियां उठती हुई नजर आ रही हैं, उसको शांत करने के लिए केंद्र नेतृत्व कब जो है वो हस्तक्षेप करता है, और 2024 के लोकसभा चुनाव की 4 सीटें हिमाचल की जो हैं उस पर क्या जो है वो तस्वीर सामने आएगी, देखना यही होगा। और उसी पल का जो है वो इंतजार रहेगा, और क्या जो है वो तस्वीर बनती है वो जरूर जो है उस पर गौर रहेगा। तो हिमाचल के साथ, हिमाचल टुडे के साथ लगातार बने रहिए हिमाचल की ताजा तरीन और खास खबरों के लिए। फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।